तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जुड़े, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं 2022 से लेकर 2019 तक के पेपर्स का सल्यूशन इस चैनल पे किया जा रहा है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएँ और इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लें। और आप जानते हैं, आपके भारी डिमांड पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स को 499 की जगह मात्र 101 रुपए मिल रहा है। 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन, एक सब्जेक्ट का लगभग 19 से 20 सेट मिलेगा आपको, 19 से 20 सेट। इसको प्रैक्टिस कर लेने से आपका 80+ आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, ठीक है ना। और इस नंबर पे आपको गूगल पे या पेटीएम करने के बाद इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को लेना है इस नंबर से संपर्क करें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर फोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपके यूपी बोर्ड की कॉपी है और इसी कॉपी में आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो जो लोग अभी तक इस कॉपी के नहीं देखे हैं, देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये यूपी बोर्ड की कॉपी है और जब यूपी बोर्ड में बैठेंगे, बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, तो इस कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा 10 अंक का 2022 में भी, ठीक है। और यहाँ पर अंकों में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा, ओके। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर विषय का नाम लिख देना है, ठीक। विषय के नाम के लिखने के बाद यहाँ पर आपको संकेतांक, ये देखो पेपर का संकेतांक है और यही संकेतांक यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे डालना, परीक्षा तिथि और डैश करके पाली डालना। उसके बाद यहाँ पे केंद्र का नाम लिख देना जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं, ओके। उसके बाद देखिए, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियाँ अथवा कोर की लंबाई होती है। कोर की लंबाई देखो, घन में ना क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए ए बराबर बी बराबर सी, ठीक। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन उतारना है और उसके बाद आंसर लिखना है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, केवल आपको आंसर आंसर लिखना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर एक लिखने के बाद आप क का पहला सही है जो सही होगा ऑप्शन भी लिखना और उसका नाम भी लिख देना, जो भी प्रश्न होगा वो भी उतार देना, बट ये पूरा प्रश्न उतारना नहीं है, ठीक, क्योंकि आप प्रश्न उतारने में लगेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरे का ए, पहले का ख ऑप्शनल। ये देखिए जरा, यहाँ पे 8 ग्राम NaOH कामा 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 8 ग्राम NaOH और 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो यहाँ होगी दोस्तों, मोलरता बिलय का भार गुड़े 1000 बटे बिलियन की मोलर भार गुड़ते बिलियन का आयतन, ठीक है ना। और यहाँ पे बिलय का भार 8 ग्राम है, 1000 बटे बिलय का मोलर भार 40 है, ठीक, और 450 ये दिया है। तो यहाँ पे जब हल करेंगे 0.44 आएगा और उसका आंसर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो ध्यान देना दोस्तों, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? तो इसका याद रखिएगा, धातु की प्रकृति पर जो है यह निर्भर करेगा। किस पर करेगा दोस्तों? धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया अर्धायु 400 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। तो इसका जो वेग स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना, देखिए इसका वेग स्थिरांक कितना होगा? तो इसका वेग स्थिरांक होता है 1.73 × 10⁻³ सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2019 के क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन 2022 में भी आए थे, इस बार भी इसमें आने की संभावना
90% है, इसलिए आप केवल पेपर्स को तैयार करिए, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए। आप अब क्या करना है, अब आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है ना। केवल आप प्रैक्टिस सेट परचेज कर लो हमारे इस चैनल से, और आप देखते हैं कि यही है नंबर, इस नंबर से संपर्क करें। 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, लगभग 90 PDF आपको मिलेगा, और आप फुल तैयारी कर लोगे, एग्जाम में 80+ फोड़ कर लाओगे अगर पूरा प्रैक्टिस कर लेती हो तब, ठीक है। क्योंकि समय आपके पास कम है, मेहनत करोगे, 7 से 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ोगे, तो जितना मटेरियल देंगे वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, तो याद रखना CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता, ओके। अब आ जाते हैं इधर, RNA में उपस्थित क्षारक है, दोस्तों RNA में उपस्थित क्षारक क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल जो है, ये जो है RNA में उपस्थित क्षारक होता है, किसमें दोस्तों, RNA में उपस्थित क्षारक होते हैं, ओके। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए दूसरे का कहा, जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अब आपको बता दें दूसरे का क है ये, ठीक, दूसरे का कब आ जाते हैं, ये प्रश्न मैंने उतारा है, बट आपको एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल नहीं लिखने हैं, बट उत्तर लिखना है केवल। तो ये देखिए घनीय जालक यहाँ पे बने हुए हैं, इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। अब आ जाते हैं ये देखो, घनीय जालक में सूत्र मैंने लगाया, ठीक, पाइथागोरस का त्रिभुज EFD में, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक, और ट्राइंगल में b² = a² + a² - a² - a² दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो b बराबर हो जाएगा √2a, ठीक। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए त्रिभुज एट उसमें और एक त्रिभुज बना था c² = a² - b², और यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा ये b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे 3a² आ जाएगा, तो c = √3 आ जाएगा। कार्य विकर्ण c की लंबाई 4r के बराबर है, जहां r गोले के परमाणु का अर्धव्यास है, क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, ओके। फिर यहां पे अब घन है तो बराबर ही करना पड़ेगा, √3 = 4r, a = 4r/√3, अतः यह भी लिख सकते हैं कि r = √3/4a। इस प्रकार की संरचना में कि कुल संख्या परमाणुओं की कुल संख्या 2 है तथा उनका आयतन 2×4/3π r³ है, घन का आयतन a³ / √3r³ के बराबर होगा, ओके। अब देखिए विलयन की मोल अलता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ठीक। दूसरे का ख देखिए जरा, NaOH के मोलों की संख्या 20/40 इतनी है, भाग देंगे इतना जाएगा। विलायक का भार 440/1000 0.44 किलोग्राम, मूलतः NaOH के मोल बटे विलायक का भार मान रखेंगे तो इतना हो जाएगा, आ जाएगा 1.1363 मोल/किलोग्राम, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही तगड़ा वीडियो बन रहा है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड भाव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, ओके। अब देखो यहां पर गिब्स ऊर्जा NaOH के मोलों की संख्या ये आ जाएगा, ये है प्रश्न। अब गिब्स ऊर्जा निकालना है, ये जानते हो प्यारे बच्चों, ये ना क्वेश्चन ये बहुत बार आता है, अगर आप इसे तैयार कर लोगे ना 19-20 सब में आ जाएगा, है ना। अब 2023 में हम जो कोर्स देंगे 4, 19, 20, 21, 22
चारों साल के पेपर्स का सलूशन आप लगा लोगे ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जिन बच्चों को कोर्स लेना है 7992087382 से संपर्क करें, 7992087382 से संपर्क करके परचेज कर सकते हैं। 101 रुपये में पाँचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो गिब्स ऊर्जा की गणना यहाँ पे की गई है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बिस्मांगी उत्प्रेरक के अभिशोषण सिद्धांत को समझाइए। तो बिस्मांगी उत्प्रेरक के अधिशोषण सिद्धांत पहला है, सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रिया कारक के अणु विसरित होते हैं। दूसरा, उत्प्रेरक की सतह पर क्रिया कारक के अणु का अधिशोषण होता है। तीसरा, अधिशोषण के बाद मध्यवर्ती संकुलन का निर्माण होता है। चौथा, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विश्लेषण होता है। अगला, उत्पाद का उत्प्रेरक से दूर विसरण होता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। तीसरा, तीन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, देखिए, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.41 bar है। 0.5 gram अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। प्राप्त विलायक का वाष्प दाब 0.41 bar पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे 3 का क है, तो प्यारे बच्चों 3 के क में ये देखो यहाँ पे पूरा लगाया गया है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बार बार पूछा जाता है, 2022 के भी एग्जाम में आ गया, 2300 के आ जाएगा, तो सभी बच्चे 20 21 22 ट्रट लो एकदम, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगर सारे क्वेश्चन समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, इसलिए जो बच्चे हमारे कोर्स को नहीं परचेज करना चाहते वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि हम हर सेट का वीडियो बना रहे हैं। 3 का ख, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। देखिए, किसी विद्युत अनवघट के 1 cm³ का चालकत्व उसका विशिष्ट चालक कहलाता है। इसे सी से प्रवेश करते हैं, चालकत्व सी बराबर 1/2 प्रतिरोध। ओके, अब देखिए ग नंबर, वैद्युत अपोहन द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। तो जंतु झिल्ली से बनी थैली में अशुद्ध कोलाइड विलयन भर लेते हैं, इसे जल में भरी पात्र में लटका देते हैं। इस पात्र में जल का आने जाने की व्यवस्था रहती है। विद्युत अनवघट के आयनों का आकार छोटा होने के कारण ये जंतु झिल्ली से पृथक हो जाते हैं, जबकि कणों का आकार बड़ा होने से पृथक नहीं होते। इस प्रकार कोलाइड विलयन शुद्ध हो जाता है। ओके, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आवर सारणी के, जरा ध्यान देना, आवर्त सारणी के एक क्वेश्चन और था इसमें ग नंबर, ये अपोहन हो गया ना, घ देखिए, आवर सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशील को समझाइए। ओके, देखिए वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार के तत्व या पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। एन पी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत गैसीय हाइड्रोजन बनाते हैं। EH3 एरोमार्क NH3 स्थायी हाइड्रोजन पर यह अचानक अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु PH3 AH3 SbS3 BiS3 में अपचायक बढ़ती है, इनकी गंध अरुचिकर होती है। चलिए चौथे में आ जाते हैं, चौथे का क में, चौथे का क क्या है प्यारे बच्चों, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्रोमाइड अयस्क के पोटेशियम डाइकोमेट निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखें। डाइकोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। तो चौथे का क है ये हमारा, जरा ध्यान देना, ये है, यहाँ पे पूरी अभिक्रिया को समझाया गया है, ठीक, यानी ये पूरी अभिक्रिया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना।
ये कितने हैं दोस्तों, ये 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक, एक पेज में आप 3 नंबर अच्छे खासे पा सकते हो। फिर देखिए, क्लोरोएथेन से एन कामायन डाई एथिल एथेनमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। चौथे का ख देखिए जरा, ये है डाई एथेमीन बनाने की क्रियाविधि लिखेंगे। ठीक, उसके बाद चौथे का ग देखिए, चौथे का ग नियोप्रीन नाइलान 6.6, ठीक, और नाइलान 6 के निर्माण का रासायनिक समीकरण, चौथे का ग है ये रासायनिक समीकरण है पूरा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ऋणायनी संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है? 2 ऋणायनी अपमार्जक सोडियम लायरान सल्फेट तथा सोडियम डोडोसिल्बेंजीन सल्फोनेट के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, इसका ये पूरा रासायनिक समीकरण है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, और इन सभी प्रश्नों का ये प्रश्न है, इनके ये उत्तर है। ठीक, एकदम रट्टा मार लो अभी, एकदम रट के जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में। और याद करना, हम देखो कोर्स ये जो देंगे आपको ना, इस कोर्स के जो जितने प्रश्न होंगे 4 साल के, हम एग्जाम जब हो जाएगा तो आपको मिलवाएंगे कितने कितने हमारे क्वेश्चन फंसे हैं, उन्हीं में से मिलवाएंगे, उन्हीं सेटों में से। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो हमारे 7992087 से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, और बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आप पढ़ोगे। ये बहुत धमाकेदार कोर्स ले आए हुए हैं आपके लिए। अब ये आपकी अभिक्रिया है क्वेश्चन, और ये उसका आंसर है, तो इसका भी फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5वें का ख आ जाते हैं यहाँ पे। ये तो क हो गया, 5वें का ख आ जाते हैं। 5वें क्या है? आयनन के निष्कर्षण में प्रयुक्त तो वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। वात्या भट्टी में अलग अलग तापमान पर अपचयन क्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। उप संयोजक यौगिकों में आयनन, ठीक है, यहाँ तक रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखो ये है प्रश्न और ये इसका उत्तर है पूरा वात्या भट्टी सहित। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। 5वें का ख है ये। ठीक, ये है 5 का ख। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 5वें का ग, 5वें का ग क्या है? उप संयोजक यौगिकों में आयनन समायवता तथा ध्रुवण समायवता को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक उदाहरण द्वारा समझाया गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 5वें का ग, हेलोन एल्केन, जरा ध्यान देना, हेलो एल्केन में एकाण्विक नाभिकराई प्रतिस्थापन SN1 तथा 2 अणुक नाभिकराएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि द्वारा उदाहरण को समझाइए। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। 6वें का ख, देखो हम सारे क्वेश्चन आपको अवगत करा दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर में। अगर आप तैयार करके जाते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, लेकिन आएगा जरूर, ये लिखवा लो मेरे से। एग्जाम के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। एक वीडियो बनेगा 1 से 2 घंटे, सारे सब्जेक्ट को उसमें डालेंगे। ठीक है, 6 का क देखिए, तो 6 के क में यहाँ पे एथेनॉल के निर्जल अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके समझाइए ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की सहायता से। तो यहाँ पर देखो ये पूरा समझाया गया है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और इधर भी पूरा यहाँ पे समझाया गया। ठीक, और इसमें देखो आपके सुविधा के लिए मैंने अथवा वाला भी किया है, 6 का क का अथवा वाला क्वेश्चन, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एक ही करना है एग्जाम में। बट आपको यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको करने में आसानी होगी, ये है दूसरा। ठीक, फिर आ जाते हैं क्या होता है जब में।
छ का ख क्या होता है? जब रासायनिक मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है, मेथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, अमोनिया से कराएंगे, ये कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे, प्रोटीन की क्रिया नाइट्रोजन साल्स करेंगे, ये चारों यहाँ पे फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये चार प्रश्न है, ये दो इधर हैं और दो, ये पांच है कुल ना, पांच प्रश्न है। अब पांचों के उत्तर देखो, ये चार इधर हो गए, एक आपको इस तरफ दिखा देते हैं, ये एक इस तरफ है, ठीक। अब अथवा में करके यहाँ पर ये देख लीजिए, इसमें अथवा वाला क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया को टिप्पणी, रोजेन मुंड अपचयन, इटार्च अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, क्रांट्स एंडोल अभिक्रिया, एनाल्ड, ये देखो सब हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, कैनिजारो, स्मिथ वगैरह सब हैं, इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर यहाँ पे नीचे बच रहा है, ओके। फिर सातवें में आ जाते हैं प्यारे बच्चों, सातवां नंबर प्रश्न देखिए जरा, क्या होता है जब केवल रासायनिक, एक दो तीन चार पाँच, ठीक। तो देखो फटाफट इसकी एक दो तीन स्क्रीनशॉट लेंगे और ये चार पाँच, ठीक। सारा उत्तर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अथवा वाला भी लगा दिया गया है, ये आप निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों नंबर एक दो और तीन चार पाँच, ठीक। ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। अब आ जाते हैं सातवें का ख, ख में दो है, एक इधर है, दोनों यहाँ पे देखो अथवा वाला भी हो, सात का ख के ये पूरा है उत्तर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। और इधर यहाँ तक, फिर अथवा वाला भी किया गया है, मतलब ये स्टार तथा सेल्यूलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए, संरचनात्मक अंतर और यहाँ पे सेल्यूलोज। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन की गई कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में आपको बताया गया कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। बाकी अपडेट के लिए अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।